हेलो एवरीवन, तो आज है फ्राइडे और मैंने सोचा था कि मैं पिया के साथ आज जाकर सब्जी लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे भी घर की सब्जी ख़त्म हो गई है और पिया ने बोला कि उसके भी घर की ख़त्म हो गई है। और कल रात को ही पिया मेरे पास थे, आप सभी को पता ही है, हम लोग गणपति विसर्जन कर रहे थे एक साथ मिलकर। तभी हमारी ऐसी घर की बातें हुई, तब पता चला कि पिया के घर की भी सब्जी ख़त्म हो चुकी है और मेरे भी। तो मैंने ऐसे ही पिया को बोला कि पिया मैं ना बोर हो गई हूँ बिग बास्केट और नीचे से सब्जी लेकर। हमारे नीचे क्या एक ही दुकान है, तो वहाँ पर जो मिलता है वो ले लो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पिया ने मुझे बोला कि दीदी आप वो वाले मार्केट क्यों नहीं जाते हो जहाँ पर आई भी जाती है, आई मतलब मेरी मॉम पिया की सास। तो मैंने बोला कि हाँ जाना है पर अकेले क्या जाऊँ। तो पिया ने बोला कि मेरे साथ चलो ना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और आपको भी, और हम दोनों लेकर आएंगे सब्जी। तो मैंने बोला हाँ ये कर सकते हैं। तो जैसे ही अनिका स्कूल से आई, मैंने सोचा कि चलो पिया के साथ जाकर सब्जी लेकर आऊँ। इस समय एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है। अभी मैंने पिया से बात की तो पिया ने बोला कि दी बारिश का देखते हैं फिर उसके बाद प्लान करते हैं। तो मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, और मार्केट जाने के लिए क्या चाहिए होता है, खूब सारे छुट्टे पैसे, क्योंकि आपको हर एक सब्जी वाले भैया को छुट्टे पैसे देने पड़ते हैं, वरना वो लोग बहुत मतलब चिढ़ जाते हैं। और थैले चाहिए होते हैं, वैसे ही मुंबई में प्लास्टिक बैन है तो थैले तो चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी इतने सारे प्लास्टिक आपके हाथों में रहेंगे तो गिरना का जो वो है हो सकता है, गिर सकते हैं। तो उससे अच्छा एक ही बड़ा सा थैला लेकर जाओ और सब्जियाँ लेकर आओ, है ना। तो चलिए आप भी मेरे साथ सब्जी शॉपिंग पर। लेकर जाऊंगी मेरे साथ रिक्शा में, बारिश बहुत हो रही है। पता नहीं आज हमने जो डिसीजन लिया है सब्जी लेने का वो सही लिया है कि नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में सब एकदम मतलब चिपचिप हो जाता है, नॉइस भी बहुत है। चलो रिक्शा। फिर मार्केट, तो इसलिए मैंने बोला था कि पिया मैं तुमको पिक कर लूँगी। तो अभी हम पिया को लेंगे। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, पर ऐसा नहीं कि पूरी बंद हो गई है, थोड़ी कम तो हो गई है। तो हम लोग आ चुके हैं सब्जी मार्केट, हमारे लेफ्ट हैंड पर सब्जी मार्केट है। पिया को आप जानते हो, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो हमने आते आते सोचा कि हम लोग 500 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खरीदने की कोशिश करेंगे, एंड फ्रूट, हाँ फ्रूट एंड सब्जी, और देखेंगे कि पिया ज़्यादा खरीद पाती है कि मैं ज़्यादा खरीद पाती हूँ। लेट्स सी किसका बार्गेन स्केल अच्छा है। वैसे बार्गेन करने में मज़ा इसलिए आती है ना, मॉल में कर नहीं पाते, ठीक है। और यहाँ पर जब बार्गेन करने के बाद जो खुशी रहता है तो अलग ही रहता है। और वो भैया 100 रुपये की सब्जी और कड़ी पत्ता धनिया जो फ्री देते हैं ना, फिर तो मन खुश हो जाता है। तो जो मज़ा ऐसी शॉपिंग करने में है ना, वो मज़ा मॉल और बिग बास्केट में नहीं है। तो मैं बहुत दिनों के बाद ऐसी शॉपिंग आई हूँ। बारिश हो गई है, चलो भागते, चलो चलो। तो करना क्या, मैं क्विकली आपको बता दूँ कि दोनों के पास सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लेनी है, पर फ्रूट्स, बट ये नहीं कि पाव पाव किलो लेना है। हाफ के जी, हाँ एनी सब्जी आप हाफ के जी, और या फिर कोई सब्जी नग के हिसाब से भी होती है ना, जैसे पालक मेथी जुड़ी के, हाँ वो एक जुड़ी, एक जुड़ी, या फिर पपीता वाटरमेलन, ये भी कैसे आप आधा किलो नहीं ले सकते, तो एक नग लोगे, तो इस तरह से सब्जी लेनी है, ठीक है। लेट्स सी एंड में कौन जीतता है, और जीतने के बाद जो हारेगा उसको कुछ तो करना पड़ेगा। सिंपल सा हमारा टिपिकल, मैं वो बताती हूँ पनिशमेंट, वो डिनर करवाएगा अपने घर तो पकवान वाला डिनर होगा। मैं जीती तो पिया करवाएगी, पिया जीती तो मैं करवाऊँगी, ठीक है। डील डील डील, चलो अच्छा मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी
कि मैं थोड़ा बार्गेन करूँगी और साथ ही साथ ये भी देखूँगी कि कौन सी सब्जियाँ सस्ती मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी मेरी 500 रुपये में आ पाएगी, ऐसा कुछ मैं दिमाग में लेकर चल रही। मुझे पिया का कोई आइडिया नहीं कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। मेरा स्ट्रैटेजी भी मैक्सिमम ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाजी जो भी सस्ता वाला है वो फटाफट पहले ले लूँ और बचे हुए मैं फिर एडजस्ट कर लूँ बचा हुआ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये कैसा है? ये कैसा है? पंकी? ये कैसा है? भैया बराबर भाव लगाना, कम कर लो थोड़ा। कब वो कैसा है? मेथी मेथी 30, आपके लिए 20। कैसे? आला 40 का पाव। 40 का पाव, अच्छा। मेथी कैसे? मेथी 40 30 रुपये आएगा। 20 दे दो। 20 का हाफ है, छोटा है। दे दो ना, ये दे दो। नहीं आएगा, मैं नहीं देती। 15 में दो, 15 में दो दो दो, दूसरा वाला पालक एक दो और ये दो। 30 बोल रहे हो? 25 लगा दो। नहीं, वो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपको कुछ समझ के दे रहे हैं, सोच के आप भाव निकाल के तब हमको पैसे दे। अच्छा, समझ के दे दो। हमारे एक किलो 40 40 20 चल रहा है अभी, दे दो। चलो कैसे? आला 40 का पाव। 40 का पाव, अच्छा। 15 का दे दोगे? देख लो, हो गया। थोड़ा सा तो कम कर दोगे भैया? कम, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, बराबर चाहिए, पर प्राइस कम चाहिए। कैरी कैसे? तो सब्जियां काफ़ी, मतलब मुझे लग रहा है महंगी है और बारिश के मौसम में होती भी है। 50 रुपये पाव तो कैरी है, वैसे कैरी का सीज़न है भी नहीं। और मेथी वगैरह 30 रुपये 40 रुपये जुड़ी है। नहीं चाहिए भाई, 20 ही दूँगी, आधा नहीं, आधा नहीं, 10 का दूँगी, आधा दो ना भैया, आधा ही चाहिए मेरे को, कुछ भी आधा ही चाहिए। हाँ, 10 का दे दो ना, आपको क्या है? कितना हुआ मेरा टोटल? मैं दे रही ना, 50 हुआ। तो 50 रुपये की सब्जी लिया मैंने, सिर्फ दो सब्जी, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पेंड कर दिया है सब्जी। भैया बराबर रेट लगाना, ज़्यादा नहीं लगा। ये सूरन कैसे दे रहे हैं? ये 15 का पाव ही है ना, मेरे को आधा किलो चाहिए। ले उन्हें 30 दो, मैं 40 दो, सभी दो तो 30 कम करो, 30 रुपये दे देना, आधा किलो कर दे। बोलो, हाँ दे थोड़ा और। शिमला मिर्च 15, 15 और 20 का ही मिल रहा है, सब कुछ 15-20 फिक्स है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। अंदाज लो, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 15 होगा। करेला कैसे? थोड़ा बहुत इधर से। करेला कैसे? करेला 15 पर, आधा 25। हाँ, ये 15-25 35 और शिमला का 40, कैसे 75? 40 शिमला, आधा भी लेना 20 का पाक। नहीं 40 नहीं, 30 लगाओ। 175 है। हाँ 150 ले लो। हाँ कर कम, 160 ले लो। तो चलो 170 ले लो। नहीं 160 बराबर है, 160 बराबर है भैया। 40 कम ले लो भैया, 100 रुपये ले लो। आप देखा अभी कितना कम किया, बोलो आप ही देखो। पाव क्या था? थोड़ा कम कर लो, 110 कर लो भैया। बहुत कम किया मैंने, 10 रुपीज़ का कुछ। ऐसा था हमारा प्रॉब्लम, 10 रुपया उधर और 5 रुपया उधर, 15 रुपया आयो रे, 5 रुपया 20 रुपया, ऐसे ही मेरा हो। धनिया फ्री में दे दो। धनिया कितना है? अच्छा नहीं, धनिया ही नहीं है, फ्री में भी क्या मांगू। ओके थैंक यू। और ले लो कुछ। अरे पैसे भूल गई। हो गया ना बराबर अभी? तो मेरे पास एग्जैक्टली 300 रुपये बाकी है और भैया मेरे को बहुत बोले
कि ज़्यादा ले लो ज़्यादा ले लो। मैंने बोला भैया नहीं ज़्यादा किलो ही चाहिए। तो भैया बहुत परेशान हो गई, ये आधा किलो के पीछे क्यों पड़ी है। चलो अभी फ्रूट्स लेते हैं। अभी सब्जी लेने के बाद मेरे पास 340 रुपीज़ अभी भी बाकी है, बहुत कुछ ले सकती हूँ मैं। ले लो भैया आधा किलो कर दे इसको। बस वो दे दो, बस दे दो। है वो आधा किलो है, मैंने इतना अच्छा अंदाज़ा लगाया। आधा तो ना बन जाए। अच्छा है ना, पर ऊपर कैसे वैसे है ना, अंदर से अच्छा है ना पक्का। तो यहाँ पर हर एक चीज़ 30 रुपए में आधा किलो ही मिल रही है। मतलब भैया 40 बोलते फिर खुद ही बोलते कि 10 रुपए कम। मेरे को बार्गेन ही नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छे भैया कि 10 रुपए खुद ही कम कर दे रहे हैं। सस्ता कौन सा फ्रूट है भैया? हाँ सबसे सस्ता कौन सा है? तो ये दे दो, ये पर ये पाव नहीं आएगा ना भैया, ये आधा आएगा, आधा किलो। 100 ग्राम ज्यादा दिया, आधा किलो। अच्छा 100 ग्राम ज्यादा दिया, मेरी तो लॉटरी है। तो आधा किलो में 5 बैठ जाएगा। हाँ तो 40 का 4 दे दो। कैसे टमाटर? 40 से 35 लगेगा। तो आधा किलो ही चाहिए। ले आपको 550 ग्राम कर देंगे। 20 40 रुपये किलो ही है ना, आपको ज़्यादा दे रहा हूँ ना। 600 ग्राम दे देंगे बस। ले 15 का आधा पड़ जाए, ले लो मेरे। कुछ तो कम करो ना प्लीज। सब कम करके 190 लगा दो, 190 प्लीज बराबर है, 190 लगा दो। थैंक यू। कैसे टमाटर? 20 रुपए किलो भैया। भैया वो 20 रुपए किलो देगा भी नहीं, जाओ भी देगा आधा किलो। हाँ आधा किलो देगा भी नहीं। मैं क्या करूँ, मैं संकट में। भैया वो 20 रुपए किलो भी दे रहा है, देगा भी आधा किलो देगा भी। जाओ ना, आओ क्या भैया, आओ। मजा कर रहे हैं क्या? हाँ तोड़ दो भैया। है बहुत थैली लेकर आती हूँ भैया मैं घर से। पता नहीं वो हो सकता है मेरे से मस्ती कर रहा हो, इसको कैमरा का फुटेज चाहिए इसलिए उसने प्राइस कम कर दिया हो, हो सकता है। जाते वापस पूछते आधा का। हाँ तो 20 लगा दो इसका, तो कितना होगा? 30 और 30 और इसका 40, तो 30 ही है। हाँ और ये 40 बोलो, थोड़ा कम करो ना। कितना कम कर ले? 65 कर दो। 65 नहीं दो। तो अभी भी मेरे पास 170 रुपये बाकी है जिसमें मैं फ्रूट्स ले सकती हूँ। सब्जी अभी और नहीं लूँगी, नहीं तो मेरे महीने भर की सब्जी हो जाएगी। और वो भैया तो बोल रहे हैं कि रिश्तेदारों को सब्जी फ्री में, मतलब भैया से रिश्तेदारी दिखानी पड़ेगी। पत्ता गोभी कैसे दे रहे हो? कितने का दिया मेरे को? 15 का ही दिया। आधा किलो, आधा किलो। भैया मेरे को भी 15 का आधा किलो दे दो। टमाटर लोगे तो देगा। मैं टमाटर ले लिया है। 20 रुपए किलो टमाटर। 20 काकड़ी देना भैया, काकड़ी 20 रुपए किलो। सच्ची? नहीं फेंका फेंकी कर रहे हो, वो देखो उधर हंस रहे हैं। मेरे पास अभी 110 रुपये बाकी है और मैंने सब्जी तो इनफ ले ली है, तो अभी मैं फ्रूट लूँगी। 110 में जितना फ्रूट आएगा उतना ले लूँगी, क्योंकि पकड़ना मुझे ही है तो उतना ले लूँगी। एक ले जाओ। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, आधा किलो बहुत है।
आधा किलो मेरे पास सिर्फ ना इतना ही पैसा बाकी है फोन में भी मेरे पेटीएम में मेरे पास सब है नहीं मेरे पास पैसा ही इतना है तो मेरा ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गया है और मेरे पास सिर्फ अभी 5 रुपीज़ बचा है 5 रुपीज़ में कोई कुछ आधा किलो का कुछ भी नहीं देने वाला तो सिर्फ 5 रुपीज़ वेस्ट देगा ना क्या वो देख वो बोला देगा क्या देगा 5 का आधा किलो कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता मेरे पास आधा किलो देखा अगली बार भैया राखी लेकर आऊँगी रिश्तेदारी हो जाएगी फिर फ्री में सब वो बोला रिश्तेदारी कर लोगे ना तो फ्री में दूंगा तो राखी तो परवड़ेगी ना सो फाइनली ये दो थैला मेरे पास 10 रुपया बचा है और मेरे पास 5 तो अभी हम लोग यहाँ पर तो नहीं काउंट करेंगे कितनी सब्जियाँ ली है स्ट्रैटेजी जो लगाई थी यहाँ पर जब हमने सब्जी वालों को प्राइस पूछा कोई काम में नहीं आया क्योंकि कोई कम नहीं करता है कुछ कुछ भैया लोगों ने 5 रुपये 10 रुपये कम किया पर कुछ कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं किया कुछ लोगों ने तो ये भी बोला रिश्तेदारी कर लो फ्री में देंगे तो अपना मज़ा है यहाँ पर मज़ा बहुत आई बहुत मज़ा आई इतना मज़ा मॉल पहचान के हो गए इतना मुझे मॉल की सब्जी लेने में या फिर बिग बास्केट से सब्जी लेने में नहीं आती है बिल्कुल नहीं आती है तो अभी घर पर चलो आपको काउंट करवाएंगे कितनी सब्जी हमने ली और कौन पार्टी देने वाला है 1 2 3 4 5 4 पाँच सात छः आठ सात नौ आठ दस नौ दस ग्यारह सोलह टोटल मेरे पास 16 चीजें हैं और मेरे पास 15 एक से ही डिफरेंस है मतलब तो फ्रूट्स मैंने ये लिए हैं और पिया ने कौन सा लिया मैंने ये क्या बोलते हैं इसको बोलते मराठी में डांगरू मस्क मेलन राइट और ये कीवी कीवी और ऑरेंज है ना हाँ ऑरेंज सो एक सब्जी का डिफरेंस आया है एक सब्जी मैंने 10 रुपीज़ वैसे बचाए भी थे और आपने 5 रुपीज़ बचाए थे तो वैसे भी 10 रुपीज़ में कोई भी सब्जी या फ्रूट नहीं आता और आता भी तो मैं 10 रुपीज़ मेरे पास भी हो रहे थे तो ऑफिशियली हम लोग वापस आएंगे यहाँ पर डिनर करने के लिए चलेगा ना भी मतलब आज तो नहीं आने के बाद अलीबाग से आने के बाद क्या खिलाओगे जो आप बोलो ऑप्शन तो ये था हमारा एक छोटा सा फन सब्जी वाला चैलेंज सिंपल सा रेगुलर व्लॉग को कुछ नया करने की हमने कोशिश की है और फर्स्ट टाइम हम लोग दोनों सब्जी के लिए गए थे फर्स्ट टाइम बहुत मजा आई पर और आधा घंटा मतलब कैसा बीता वहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चला अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए राइट लाइक जरूर करिएगा हमें मोटिवेट करिए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे शॉपिंग करें बहुत मजा आएगा इतनी मतलब सब्जी लेने में इतनी मजा आ सकती नहीं लगा था और बागेट सच्ची में ऐसी भी कुछ खास नहीं हुई धनिया भी किसी ने फ्री में नहीं दी बट मजा बहुत आई तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाय हम आपको YouTube में डालेंगे